हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो अभी हम लोग पहुंच चुके हैं रोहन हीरो, मतलब हीरो का हमारे इधर जो शोरूम है। और आपको पता होगा, रिसेंटली हीरो की तरफ से एक नया बाइक लॉन्च हुआ है जो कि हीरो एक्सट्रीम 125R। और इसका भाई लुक एक बार देखो भाई, इसका लुक मतलब लुक की ना बहुत ज़्यादा चर्चे हुए थे। लाइक इसका फ्रंट लुक आप देख सकते हैं, ये थोड़ा थोड़ा जो G1000 जैसा दिखता है, मतलब उसी से इंस्पायर्ड बोल सकते हैं। और जो कि बहुत ज़्यादा अच्छी बात है, ये एक 125cc हो के भी बहुत ज़्यादा मस्कुलर और लुक वाइज तो भाई इसको 10/10 मिलना चाहिए। और भाई जो राइडर और NS125 वगैरह जो मतलब इस सेगमेंट में राज कर रहे थे ना भाई, अभी इसके बाद मेरे को तो नहीं लगता है उनका भाई सेल उतना ज़्यादा बढ़ेगा। मतलब इसके हिसाब से तो ये इनको बहुत ज़्यादा टक्कर देगा। और बाकी आपको एक 360 लुक दिखा देता हूँ, तो उसके बाद हम लोग पूरा फ्रंट से शुरू करेंगे, क्या क्या आपको मिलता है मैं आपको डिटेल में बताऊंगा। और बाकी इसका एक लुक देख लो पहले आप। टेल सेक्शन भी बहुत ज़्यादा शार्प है और इधर आप देख सकते हैं थोड़ा सा स्टेप अप है, तो वो जो स्पोर्टी लुक को मेंटेन करने के लिए पूरा बाइक को बहुत ही अच्छे से डिज़ाइन करा गया है। जो भाई मुझे तो जब मैब्रिक 400 और ये लॉन्च हुआ था, तो भाई कोई भी कमेंट सेक्शन देख लो, जो भी बड़े बड़े यूट्यूबर थे उन्होंने पहले उनको इनवाइट मिला था, हमें तो भाई हम छोटे यूट्यूबर हैं ना, हमको तो नहीं मिलता है। और आप लोग भी सब्सक्राइब नहीं करते हो, सिर्फ देख के चले जाते हो भाई। अच्छे से थोड़ा अगर आप सपोर्ट करोगे तो हम लोग भी आगे जाएंगे और जो भी होगा देखा जाएगा आगे। और आप अगर थोड़ा सा भी आपको अच्छा लगे तो थोड़ा सपोर्ट कर दो भाई को, क्योंकि भाई मेरा जो सब्सक्राइबर और नॉन सब्सक्राइबर का मतलब जो देख के चले जाते हैं ना, वो 99% लोग है और 1% है, तो इतना भेदभाव क्यों भाई, मैं भी तो अच्छा बनाता हूँ वीडियो। जो भी है भाई, तो चलो फोकस करते हैं अपने वीडियो पे। तो आपको एक DRL मिल जाता है इधर फ्रंट में, अभी तो देख सकते हैं जो बहुत ज़्यादा ब्राइट है। और बाकी अभी नीचे की तरफ आते हैं तो इधर आपको डुअल प्रोजेक्टर मिल जाता है जो कि आई थिंक लो बीम के लिए, और ये हीरो का ना भाई ट्रेडमार्क हो चुका है। आप इधर देख सकते हैं जो ग्लैमर वगैरह में उनका जो एक्सटेक मॉडल आता है, और बाकी माइस्ट्रो एज और जो जूम वगैरह पे, और इवन जो XMR 210 लॉन्च हुए उसमें भी, उसका भी वीडियो मैंने बनाया है, अगर आपको देखना होगा तो आप जाके चैनल पे चेकआउट कर सकते हैं। बाकी ये बहुत ज़्यादा अच्छा बात है, आपको एक प्रोजेक्टर मिल रहा है इस सेगमेंट में जो कि बहुत ज़्यादा अच्छे होते हैं लाइट वेट, और ये दोनों आई थिंक हाई बीम के लिए, तो जो कि बहुत अच्छा बात है। और बाकी इधर आप देख सकते हैं आपको डुअल टोन मतलब फिनिश मिल जाता है, और ये थोड़ा ना ऊपर की तरफ है तो एक स्पोर्टी लुक निकल के आ रहा है बहुत ज़्यादा अच्छा। ये ब्लैक में है और ये बॉडी कलर में है। और बाकी आपको 37mm की फॉक्स मिल जाते हैं, मतलब नॉर्मल है टेलीस्कोपिक। और इधर आप एक बैस देख सकते हैं जो कि ABS का, और इस सेगमेंट में ना ये पहली बार हुआ है, और मतलब पहली बार ही हुआ है क्योंकि ना राइडर में आता है ना NS125 में आता है। और डिस्क के साइज़ बोलूँ तो आपको सिंगल डिस्क ही मिलता है, कोई डुअल डिस्क का ऑप्शन ही नहीं मिलता है। और एक जो आपको बात बोलना भूल गया, जो कि इसमें आपको टोटल 2 वेरिएंट मिलते हैं। एक तो हो गया जो मतलब IBS समथिंग इंटीग्रेटेड ब्रेकिंग सिस्टम जो स्कूटर वगैरह में आता है ना, जो आप अगर रियर ब्रेक यूज़ करोगे तो थोड़ा थोड़ा फ्रंट का भी यूज़ होगा, जिससे ब्रेकिंग डिस्टेंस ओवरऑल कम होगा, पर इसमें वो दिक्कत नहीं है। आप आँख बंद करके इसके ऊपर भरोसा कर सकते हो, क्योंकि ये वाला ABS वाला मॉडल है। इसमें आपको सिंगल चैनल ABS मिल जाता है जो कि इस सेगमेंट के हिसाब से बहुत है। और बाकी 276mm की डिस्क मिल जाता है, और ये सेम डिस्क आई थिंक जो एक्सट्रीम 200AS है उनमें आता है, तो आपको पता होगा 200cc में जो ब्रेक आता है इसमें भी सेम आता है, तो बहुत ज़्यादा अच्छा बात है। और बाकी ये वो कौन सा कंपनी के उन लोगों ने मेंशन नहीं किया है, क्योंकि एक मतलब ओवरऑल एक स्पोर्ट्स कंप्यूटर है, तो वाइब्रेट वगैरह तो नहीं है, पर ठीक है, इसका ब्रेकिंग वगैरह भी बहुत ज़्यादा अच्छा है। और मैंने इसको मतलब चला चुका हूँ अभी, इसके बाद वीडियो बना रहा हूँ, जो सच है भाई मैं बता देता हूँ। तो अभी बात करते हैं टायर साइज की, तो यू कैन सी 90x90/17। तो और इसका जो अलॉयस व्हील्स का डिज़ाइन भी देख सकते हैं, बहुत ज़्यादा अच्छा है, आपको डुअल मतलब स्पोक डिज़ाइन मिल जाता है और बहुत ज़्यादा अच्छा है। और टायर का साइज़ भी बहुत ज़्यादा अच्छा है, 90x90/17। और बाकी इंजन की तरफ आते हैं तो 124cc एयर कूल इंजन, और इधर आप देख सकते हैं आपको स्प्रिंट
EBT मतलब इनका जो टेक्नोलॉजी है हीरो का, और ये प्रोड्यूस करता है 11.4 BHP और 10.5 NM का टॉर्क, तो पावर वाइज कोई भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं है। और ये हो गया, बाकी इधर इधर देख सकते हैं आपको किक वगैरह भी मिल जाते हैं, जो कि बहुत अच्छी बात है। ये एक ओवरऑल एक 125 cc बाइक है, तो किक मिलना बहुत ज़्यादा अच्छा बात है। और बाकी इधर 125R की स्टिकरिंग वगैरह मिल जाता है, और टैंक से ये जो पार्ट देख सकते हैं बहुत ज़्यादा मतलब एक वाइड लुक देता है। और इधर आपको टैंक पे एक्सट्रीम का 3D में लोगो मिल जाता है, और ये स्टिकर वगैरह लगाए गए हैं क्योंकि डेमो राइड है, तो ये बाद में ऐड किए गए हैं। आप अगर गाड़ी लोगे तो आपको साथ ये नहीं मिलेगा। तो ये रियर ब्रेक लिवर हो गया, और बाकी एग्जॉस्ट साउंड आपको सुना देता हूँ पहले। आई होप न्यूट्रल हो, नहीं फर्स्ट गियर पे है, अभी आएंगे सब कुछ आपको बताएंगे। तो आपको एक एग्जॉस्ट नोट सुना देता हूँ, इसको अभी मैं चला के मतलब आ चुका हूँ, तो ये वार्म अप है, तो एक बार आपको रेव करके दिखा देता हूँ। तो एग्जॉस्ट नोट ना बहुत ज़्यादा स्पोर्टी है, और एकदम जो रेड लाइन मतलब रेड लाइन पे बहुत ज़्यादा स्पोर्टी आवाज़ ये करता है, तो साउंड वाइज कोई भी कंप्लेन नहीं है। बाकी पीछे की तरफ आपको बॉक्स टाइप स्विंग आर्म मिल जाता है मतलब, और पीछे की तरफ कोई डिस्क का ऑप्शन भी नहीं है। तो और जो टायर साइज़ की बात करूँ तो इसमें आपको 120 सेक्शन का टायर मिल जाता है, और 120 और 17 इंच का व्हील्स है। और पीछे की तरफ आते हैं तो आपको एक टेल लाइट का लुक दिखा देता हूँ। टेल लाइट आप देख सकते हैं बहुत ज़्यादा शार्प है, और ये थोड़ा थोड़ा जो मेरी बाइक है अपाची 164 भी उसी की तरह है, पर उसमें इसमें थोड़ा सा बीच में गैप है जो कि उससे डिफरेंट मतलब लगता है। और इसका लुक पीछे की तरफ देखो यार, बहुत ज़्यादा लुक अच्छा है, मतलब एक टेल टाइट जैसा लुक है। और ये जो इतना गैप है ना एक्सटेंड हुआ है ना, बहुत ही अच्छा मतलब बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है। और बाकी आपको LED इंडिकेटर मिल जाते हैं, जो कि आपको एक्सट्रीम 160 में मिलता है। और इस तरफ आए तो आपको एक सिंगल साइडेड टायर अगर मिल जाता है, और इसको आप खोल भी सकते हो, उसके बाद जो बहुत ही अच्छा लुक निकल के आएगा, ये बरसात वगैरह में काम आ जाएगा, आपको प्रोटेक्ट कर लेगा, पर समर और विंटर में आप इसको खोल सकते हो। और बाकी इधर एक चीज़ आप देख लो भाई, ये बहुत ज़्यादा अच्छा चीज़ है कि जैसे कि एक कंप्यूटर बाइक है, तो आप अपना मम्मी वगैरह को बैठाओगे, बाकी थोड़ा अनकंफर्टेबल होंगे क्योंकि इसका थोड़ा हाइट ज़्यादा है ना, पर फिर भी अगर आप बिठा भी लो तो कोई टेंशन भी नहीं है, क्योंकि इसके तरफ इधर कोई आपको सारी गार्ड नहीं मिलता है। तो जैसे कि अपना इंडियन गवर्नमेंट है, उन लोगों ने एक मतलब मैंडेटरी करके रखे हैं कि आपको कोई भी बाइक हो उसमें आपको सारी गार्ड देना ही है। उसी की वजह से आपने देखा होगा जो निंजा 300 और जो जितने भी बड़े बाइक आते हैं उनमें भी आपको साड़ी गार्ड मिलता है, जो कि बहुत बड़े बड़े होते हैं और भद्दे से दिखते हैं, पर इसमें ना बहुत ज़्यादा स्टाइलिश लग रहा है। और मतलब पहली बार मैं देखा हूँ कोई किसी का साड़ी गार्ड इतना ज़्यादा अच्छा निकल के आ रहा है। जैसे कि अभी लोग जो चेंज कर रहे हैं ना आफ्टर मार्केट, जो टायर पे जो प्रो डिस्क का जो लगा रहे हैं ना, उसी की तरह लुक निकल के आ रहा है, जो कि बहुत अच्छी बात है। कोई भी अगर होगा उसको खोलने का मन नहीं करेगा, इतना ज़्यादा अच्छे से फिनिशिंग है और बाकी लुक वाइज भी। और बाकी इधर साइड से जो लेडीज़ फुट रेस्ट भी लग जाएगा, वो एक्सेसरीज का पार्ट होगा, तो वो हो गया। बाकी अभी आते हैं सीट की तरफ, तो सीट स्प्लिट सीट आपको मिल जाता है, और ये थोड़ा सा स्टेप डाउन मतलब स्टेप अप है, इधर देख सकते हैं। और बाकी जो ग्रैब रेल है बहुत ज़्यादा अच्छा आपको क्वालिटी के मिल जाते हैं। और जो मेन राइडर का सीट है मतलब जो चलाएगा उसके लिए बहुत ज़्यादा जगह है, थोड़ा सा पिलियन के लिए थोड़ा सा कम है, पर ठीक है। अगर आपका मतलब ज़्यादा हेल्दी हो तो ही आप थोड़ा सा अनकम्फर्टेबल होंगे, कोई इतना ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगा। बाकी इसका हाइट है 796 mm, मतलब 796 mm का, तो ठीक है सब, मतलब 5.56 का नीचे भी अगर आपका हाइट होगा तो उतना ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगा। और इधर आपको 5 feet का गियर बॉक्स मिल जाता है, और बाकी इसमें आपको जो साइड स्टैंड कटअप सेंसर मिल जाता है, और बाकी यही है देख लो। और बाकी अभी आते हैं टैंक की तरफ, तो आपको टैंक भी मिल जाता है, 10 लीटर का टैंक कैपेसिटी मिल जाता है,
और ठीक है, अभी इधर आप देख सकते हैं E20 का जो बैच है, तो इसमें आप 20% इथेनॉल और 80% पेट्रोल जब अवेलेबल हो जाएगा आप उसमें यूज़ कर सकते हैं। और बाकी अभी बात करते हैं स्विच गियर की, तो इधर है अपर डिपर, ये हो गया अपना हजार लाइट का बटन, और ये हो गया इंडिकेटर, ये हो गया हॉर्न, और इधर हो गया पास लाइट का, और इस साइड एक ही है जो है अपना इंटीग्रेटेड है, इंजन किल स्विच और स्टार्टर बटन। और मिरर की क्वालिटी बहुत ज़्यादा अच्छा है, इधर आप देख सकते हैं बहुत ज़्यादा स्टडी है, और क्वालिटी वाइज भी बहुत ही अच्छा है। और हैंडल बार आप देख सकते हैं, आपको ट्यूबुलर हैंडल बार मिल जाता है। तो अभी इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर की तरफ चलते हैं। तो थोड़ा सा और एक बात जो आपको दिखाना भूल गया कि इधर आपको एक USB चार्जिंग पोर्ट भी मिल जाता है। इधर है, इधर ही तो है, हाँ इधर ही है। तो इस तरफ आपको मिल जाता है एक चार्जिंग पॉइंट। और बाकी इधर अभी इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर की बात करें तो इस ये ना थोड़ा सा छोटा है साइज़ में, पर ठीक है। और बाकी ब्राइटनेस थोड़ा कम है, अगर अभी समर का सीज़न चल रहा है ना, मतलब बहुत ज़्यादा धूप इसके ऊपर पड़ेगा तो इसका ब्राइटनेस, अभी देखो ये फुल पे है फिर भी इतना ज़्यादा मतलब विजिबल नहीं है, तो ये थोड़ा सा एक डाउन साइड है। बाकी आपको डिजिटल मिल जाता है और इसमें आपको बहुत सारे मतलब इन्फॉर्मेशन मिल जाते हैं, जैसे कि इधर आप देख सकते हैं इसमें आपको टैकोमीटर मिल जाता है, ये हो गया स्पीडोमीटर, और गियर पोजीशन इंडिकेटर इधर ही मिलता है, जैसे कि अभी न्यूट्रल है कि इधर आपको रिजर्व का लाइट, और ये हो गया अपना फ्यूल मोटर की, और इधर हो गया ABS का जो भी ब्लिंक कर रहा है, और जैसे जैसे आप चलाते मतलब 16 या 17 स्पीड के ऊपर जब ABS एक्टिव हो जाएगा तो ये ऑफ हो जाएगा। इधर आप देख सकते हैं इधर आपको फ्यूल गेज मिल जाता है, अभी थोड़ा पेट्रोल कम है। और बाकी इधर आपको ट्रिप भी पे अभी है, इसको चेंज करते हैं। तो इधर आपको एवरेज फ्यूल इकोनॉमी और ओडोमीटर अभी 166 ही चला है, ट्रिप भी बस उतना ही, कुछ ज़्यादा ऐसे फीचर्स नहीं मिलते हैं, पर ठीक है जितना चाहिए उतना मिलता है। और बाकी इसमें आपको ब्लूटूथ कनेक्टिविटी वगैरह भी मिल जाता है, इधर आपका जो टर्न बाय टर्न नेविगेशन वगैरह शो करेगा, तो सब है। बाकी जितना फीचर दिया गया है ना भाई, बहुत ज़्यादा अच्छा है। अभी हम आ चुके हैं अपना मोटो ब्लॉगिंग सेटअप पे, और ये अपना फर्स्ट राइड होने वाला है एक्सट्रीम 125 R की, और एक डेमो बाइक है। और बाकी लुक तो मतलब फर्स्ट इम्प्रेशन बहुत ज़्यादा अच्छा है, तो देखते हैं। एक हमारे अभी भाई है ना, वो बैठेंगे मतलब जो शोरूम के, क्योंकि ऐसे हम इतने बड़े यूट्यूबर तो नहीं है, तो इसलिए हमें अकेला जाना नहीं देंगे, तो देखते हैं क्या होता है। बाकी इसका जो स्क्रीन साइज है ना, वो थोड़ा मतलब ज़्यादा छोटा लग रहा है, पर ठीक है, ये सेगमेंट भी तो छोटा है, तो एक स्पोर्ट्स कम्यूटर है। और टैंक वगैरह ना बहुत ज़्यादा बड़ा है, और ये देख सकते सिंक की तरह निकला है, जो कि बहुत ही ज़्यादा एक वाइडर और एक बिगर लुक दे रहा है। सो लेट्स गो। तो अभी हम हैं भुवनेश्वर में, तो थोड़ा सा ट्रैफिक सिचुएशन है, थोड़ा आगे खुले में चलते हैं, फिर इसके बारे में हम लोग थोड़ा डिटेल में बात करेंगे। अभी देख सकते हैं अभी टाइम भी हो रहा है, मतलब 4:14, तो वो भी एक रीज़न है। बाकी ये इंजन ना मतलब ग्लैमर 125 वो सब में भी आता है, तो बहुत बार तो चला चुका हूँ, पर ये वाला इंजन उनसे बहुत ज़्यादा अलग है। और उधर देखो अपना जो भुवनेश्वर का एयरपोर्ट, और बहुत ही अच्छा नज़ारा, टाइमिंग बहुत ज़्यादा अच्छा है। और बाकी ये ना मैं अभी उतना अच्छे से बोल नहीं पाऊँगा, क्योंकि हाँ एक टेस्ट हो जाएगा कि पिलियन के साथ ये बाइक कैसा बिहेव करता है, जो भी बताऊँगा वो परफॉर्मेंस और जो भी सारी चीज़ें बताऊँगा आपको, वो सब एक पिलियन के साथ कैसा है वो आप उस हिसाब से ले लेना। बाकी ये फर्स्ट इम्प्रेशन है, कोई भी हमारे एरिया में कोई भाई वगैरह इसको डिलीवरी ले ले तो उसके बाद एक मतलब सिंगल राइड टेस्टिंग वगैरह कर लेंगे, ठीक है। तो अभी थोड़ा सा हाईवे के ऊपर चढ़ जाते हैं, उसके बाद थोड़ा डिस्कस करते हैं, क्योंकि भाई शोरूम की गाड़ी है तो थोड़ा सा ट्रस्ट भी उनके ऊपर मतलब उनका मेरे ऊपर है, तो उसको थोड़ा जीतना पड़ेगा, अच्छे से रेस्पॉन्सिबिलिटी वाइज चलाना पड़ेगा।
मिरर थोड़ा एडजस्ट कर लेता हूँ, मेरा हाइट थोड़ा ज़्यादा है ना, तो इसके वजह से मुझे नहीं पीछे के दिख रहा है। और इनिशियल इम्प्रेशन ना भाई बहुत ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि एक एट दी एंड ये मैटर करता है, एक 125 सीसी बाइक है। तो अभी हम आ चुके हैं NH-16 जो अपना नेशनल हाईवे है, मतलब वेस्ट बंगाल से आंध्र प्रदेश होके जाता है हमारे उड़ीसा से। तो अभी बात करते हैं इनिशियल पिकअप की। तो अभी हम दो लोग बैठे हैं और भाई मेरा हाइट है 6.3 और मेरा वेट भी 90 के आसपास है, तो ये समझ लेना जो परफॉर्मेंस थोड़ा सा अभी इसमें आपको लग रहा होगा कि ये थोड़ा कम है, वो मेरा वेट की वजह से, और मेरा बॉडी और भाई भी पीछे बैठे हैं, उनका भी 5'7" 5'8" के आसपास हाइट है और वो भी लगभग 65-70 के आसपास तो होंगे। तो अभी ये पिलियन का जो टेस्टिंग वगैरह चल रहा है तो ये समझ लेना, बाकी इसमें 5 गियर आपको मिल जाता है। देखो आराम से 70 के आसपास चल रहा है। और अभी बात करते हैं इनिशियल पिकअप की। तो इनिशियल पिकअप बहुत ज़्यादा अच्छा है, और अगर मैं कंपेयर करूँ राइडर से तो राइडर के ही हिसाब से मतलब उसी के आसपास है, और इनका जो 0-60 और ये टाइमिंग वगैरह ना बिल्कुल सेम ही है, कोई चेंजेस वगैरह उतना ज़्यादा नहीं है, मतलब इक्वल परफॉर्म करते हैं। और बाकी मिड रेंज की बात करूँ तो अभी देखो मैं 5th गियर पे था और 50 के आसपास था। देखो कोई स्ट्रगल नहीं कर रहा है क्योंकि हम लोग दो बैठे हैं, और ये चीज़ का भी हम लोग को ध्यान रखना है। तो और हो गया भाई गियर वर्क्स की, तो इसमें आपको 5 फीट का गियर वर्क्स मिल जाता है। और बाकी स्विच गियर आप देख सकते हैं बहुत ज़्यादा अच्छा है। और सस्पेंशन ना भाई मेरे को बहुत अच्छे लग रहे हैं इसके पीछे वाले, क्योंकि मैं अगर राइडर से कंपेयर करूँ ना, राइडर का जो पिछले वाला सस्पेंशन है वो बहुत ही ज़्यादा मतलब सॉफ्ट है, तो जो स्पीड ब्रेकर पे और मतलब कॉर्नरिंग वगैरह करने पे वो थोड़ा मतलब क्या होता है ना, ज़्यादा बबलिंग करता है जस्ट पर जो सॉफ्ट सस्पेंशन आपको मिलता है। और ये देखो, अरे भाई हमारे जाने की रोड है, आप लोग क्यों आ रहे हो इस साइड से? और तो अरे भाई डोमिनार वाले क्यों भाई ट्रोल कर रहा है, ठीक है चलो भाई अपने पे आते हैं। तो इसका फ्रंट सस्पेंशन ना बहुत ज़्यादा सब पे मतलब कोई भी गड्ढे, अभी तो देखो हम लोग अभी NS पे चल रहे हैं तो कोई गड्ढे वगैरह नहीं है, तो फिर भी अगर गड्ढे वगैरह मतलब होंगे तो ये बहुत अच्छे से ऑब्जर्व कर लेगा, क्योंकि मैं जो इसका इनिशियली डैम्पिंग वगैरह देख रहा हूँ ना वो बहुत ज़्यादा अच्छा है। और अभी जो बात करते हैं ब्रेकिंग वाइज, तो थोड़ा सा आगे चल लेता हूँ फिर आपको ब्रेक टेस्ट वगैरह करके दिखाऊंगा। और बाइक ओवरऑल एक अगर आप एक स्टूडेंट हो और आपको एक स्टाइलिश लुकिंग के साथ साथ माइलेज भी चाहिए, और बाइक सब कुछ है, सिर्फ एक चीज़ आप इसमें नहीं कर पाओगे जो कि इसका पिछला वाला सीट है ना, तो थोड़ा सा स्टेप अप है, तो अगर आपकी मम्मी वगैरह बैठेंगे तो उनको थोड़ा दिक्कत हो सकता है, बाकी कोई भी ऐसा मतलब एरिया नहीं है। ये बाइक मतलब पीछे चला जाता है NS-125 या राइडर 125 से। और एक जो सबसे बड़ा बात है इसमें आपको भाई सिंगल चैनल ABS भी मिल जाता है। आई डोंट नो मतलब दो ही आपको वेरिएंट मिलते हैं, जो कि आपको एक था IBS मतलब इंटीग्रेटेड ब्रेकिंग सिस्टम जो हीरो का जो स्कूटर वगैरह में ये सब में आता है, और इसमें आपको मिल जाता है सिंगल चैनल ABS इसका जो टॉप वेरिएंट है। तो ये भी एक फर्स्ट इंट्रोड्यूस हुआ है इस सेगमेंट में। बाकी KTM RC125 और Duke 125 में भी आपको ABS वगैरह मिल जाता है, पर भाई उनके प्राइस में ना भाई ये दो आ जाएंगे जितना उनका प्राइस है, तो उनको कंपेयर मत करना, वो थोड़ा प्रीमियम वाले जो 125 बाइक है मतलब हाँ KTM की। और बाकी इसका जो मेन राइवल वगैरह है ना वो राइडर है NS-125 पे, और SP-125 भी है, पर SP थोड़ा मतलब ज़्यादा कंप्यूटर जैसा दिखता है, ये लोग थोड़े मतलब स्टाइलिश है। और तो ये सबसे उनमें से मतलब ज़्यादा अच्छा लुक निकल के आता है, तो ये बात तो है भाई बहुत ज़्यादा अच्छा है। और अभी बात कर लेते हैं जो इसका क्लॉच वगैरह की, तो क्लॉच वगैरह ना बहुत ही ज़्यादा स्मूथ है। और देखो देखो एक फिंगर से मैं ऑपरेट कर पा रहा हूँ। पिछले वाला ब्रेक ना वो ड्रम ही है, आपको कोई ऑप्शन भी नहीं मिलता है डुअल डिस्क का। और पिछले वाला अभी अगर टेस्ट करूँ थोड़ा थोड़ा लगाऊँ, क्योंकि अभी भाई देखो भाई मैं ऐसे जगह पे फंसा हुआ हूँ ना, यहाँ पे चाह के भी मैं थोड़ा सा इधर उधर हुआ तो गाड़ी किसी ना किसी को तो लग जाएगी, तो ये बात थोड़ा सा एडजस्ट कर लेना। मैं
जो भी मतलब फ्यूचर में मुझे चांस मिलेगा जिसकी भी गाड़ी होगी भाई, मैं उसको अच्छे से टेस्ट करूंगा और अच्छे से भगाऊंगा। क्योंकि अभी देखो उधर सारे जगह पे कैमरा वगैरह है, और बाकी मेरे भी से एक भाई बैठे हैं, तो सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना अपना काम है, तो वो सबको भी ध्यान रखना पड़ता है। तो एक छोटा सा स्पिन था, मैक्सिमम 2 या 3 किलोमीटर का ही होगा। बाकी इसका एग्जॉस्ट नो ना ठीक ठाक है, मतलब राइडर का ना थोड़ा सा वो जो एग्जॉस्ट है वो थोड़ा ज़्यादा हल्ला मचाता है, मतलब उससे मतलब उसका इंजन से इतना ज़्यादा आवाज़ नहीं आता है, वो जो एग्जॉस्ट है ना वो ज़्यादा हल्ला मचाता है। बाकी इसका बहुत ज़्यादा स्पोर्टी आवाज़ करता है। तो अभी हम शॉर्ट स्पिन से आ चुके हैं, तो सस्पेंशन वगैरह भी ठीक है, देखो थोड़ा सा अपलोडिंग सिचुएशन है। अभी हम शोरूम पे आ चुके हैं।